Hello everyone. Hope you all are good. Welcome to English class. My name is Devki and today we shall study our next topic of English grammar. And the topic is conjunctions. So, आज हम अपने English grammar के next topic के बारे में पढ़ेंगे और हमारा आज का topic है conjunctions. But before starting with the topic, we'll read some sentences that I have written over here. Topic start करने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस को रीड करेंगे जो मैंने यहाँ पर राइट किए हैं. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज कैलाश एंड गोपाल आर फ्रेंड्स. कैलाश और गोपाल फ्रेंड्स हैं. नाउ द सेकेंड सेंटेंस ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड. वो पास हो गया लेकिन उसकी सिस्टर फेल हो गई. देन द थर्ड सेंटेंस इज He slept after he finished the work. वो अपना काम पूरा करने के बाद सोया. Now, can you see the words that I have written with yellow chalk? क्या आप उन words को notice कर सकते हो जो मैंने yellow color chalk से write किए हैं? And one more important thing कि ये सारे words को मैंने दो sentences को दो नेम्स को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किया है. यस, लाइक द फर्स्ट वन, मैं कैलाश और गोपाल के बारे में बात कर रही हूं तो मैंने दोनों को एंड वर्ड की हेल्प से ज्वाइन किया है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अबाउट देम. बिकॉज मैं उन दोनों को ज्वाइन करके उनके बारे में एक ही बात बोलना चाहती हूँ. सेकेंड सेंटेंस में मैंने बट की हेल्प से फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस को ज्वाइन किया है एक कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए. मीन्स जो मैंने पहले बोला है और जो सेकेंड सेंटेंस में बोला है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. देन इन थर्ड सेंटेंस में भी मैंने आफ्टर वर्ड का यूज किया है फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस को ज्वाइन करके. यस, जैसे मैंने बोला ही स्लेप्ट, वो सो गया. He finished the work और उसने अपना काम पूरा किया. इन दोनों बातों को रिलेट करने के लिए मैंने आफ्टर वर्ड का यूज किया है. सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. द वर्ड्स दैट वी यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स सेंटेंसेस और क्लॉजेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस. तो हमारे कंजंक्शंस क्या होते हैं? यही वर्ड जिन वर्ड्स को हम दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, मिलाने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे कंजंक्शंस होते हैं. वर्ड्स लाइक बिकॉज, दो, ऑल्दो, टिल, इफ, एंड, सो एटसेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन करने के लिए या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए. मे बी हम किन्हीं दो चीजों के बारे में सेम चीज बोल रहे हैं तो हम उन दोनों को एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं. मे बी हम सेकेंड सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस का जो रिजल्ट होगा वो शो करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए. तो ये जो भी वर्ड्स होते हैं जो हम ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं दोज वर्ड्स आर कंजंक्शंस. वो हमारे कंजंक्शंस होते हैं. लाइक इफ आई से दैट I won the match because I practiced hard. मैंने इसीलिए मैच जीता क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी. तो मैंने अपनी पहली बात को दूसरी बात से ज्वाइन किया है विद द वर्ड बिकॉज, अपना रीजन बताकर. सो सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस. नाउ वी विल डू अ शॉर्ट एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ बेटर वे. अब हम एक शॉर्ट एक्सरसाइज करेंगे सो दैट आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाए. सो इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू अंडरलाइन द कंजंक्शंस. आपको इस एक्सरसाइज में कंजंक्शंस को अंडरलाइन करना है. मीन्स उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जिनको आपने यूज किया है और ज्वाइन करने के लिए वर्ड्स या सेंटेंसेस को. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉन Because he worked hard. वो इसीलिए जीत गया क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी. Now in this sentence we are using the word because to join the first sentence and the second sentence. हम इसमें because का use कर रहे हैं. Because की help से हम reason बता रहे हैं कि वो क्यों जीता था.
So the word because is our conjunction. Second sentence. Tanvi is healthy though thin. Means Tanvi healthy hai. Halanki wo patli hai but wo healthy hai. In this sentence we are using the word though as conjunction. Hum is sentence mein do word ka help use kar rahe hain as a conjunction. हम यहाँ पे दो चीजों का कॉन्ट्रास्ट मतलब जो एक दूसरे से अपोजिट हो वो शो कर रहे हैं. जैसे वो हेल्दी भी है और थिन भी है तो जनरली ये बातें रिलेट नहीं करती बट बिकॉज हम इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं सो वी आर यूजिंग द वर्ड दो. थर्ड वन, अर्जुन और आर्या कैन कम विद मी टू द फेयर. अर्जुन या आर्या में से कोई भी एक मेरे साथ आ सकता है. नाउ इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग द वर्ड ऑल टू गिव अ चॉइस. हम अर्जुन और आर्या में चॉइस देने के लिए ऑल वर्ड का यूज कर रहे हैं तो ये भी हमारा कंजंक्शन है. फोर्थ वन, आई विल गो होम आफ्टर द क्रिकेट मैचेस ओवर. सो समवन इज सेइंग मैं घर तब जाऊंगा जब क्रिकेट मैच ओवर हो जाएगा. तो वी आर यूजिंग द वर्ड आफ्टर टू जॉइन अ फर्स्ट सेंटेंस टू द सेकेंड सेंटेंस. इन दोनों बातों को रिलेट करने के लिए हम आफ्टर वर्ड का यूज कर रहे हैं. सो द वर्ड आफ्टर इज अ कंजंक्शन. फिफ्थ वन, इफ यू फील हंग्री ईट द सैंडविच. नाउ इन दिस सेंटेंस यू फील हंग्री इज वन सेंटेंस एंड ईट द सैंडविच इज अनदर सेंटेंस. इन दोनों को रिलेट करने के लिए कि सैंडविच में और हंगर में क्या रिलेशन है वी आर यूजिंग द वर्ड इफ. सो इफ इज ऑल्सो आर कंजंक्शन. नाउ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कंजंक्शन शुड बी यूज इन बिटवीन द सेंटेंस. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कंजंक्शन को सेंटेंसेस के बीच में ही राइट करें. वो स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. Let's revise what we have learned today. So today we learned about conjunctions. आज हमने conjunctions के बारे में पढ़ा and we learned that conjunctions are those words that are used to join two words, sentences or clauses. Means conjunctions वो words होते हैं जो दो words को sentences को या clauses को join करने के लिए use किए जाते हैं. Words like and, but, or, although, though, still, until, till, etc. There are many more words that are used as conjunctions. Now we shall look at the uses of some of the conjunctions. अब हम कुछ conjunctions के uses के बारे में पढ़ेंगे. So the first one that I have written over here is although. Although को हम हिंदी में बोलते हैं हालांकि. Although का यूज हम तब करते हैं जब हम दो बातों में कॉन्ट्रास्ट शो करना चाहते हैं. कॉन्ट्रास्ट शो करना चाहते हैं मीन जब हम कोई ऐसी दो बातें बोलते हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करती. लाइक although he is old, he is strong. हालांकि वो ओल्ड है बट वो स्ट्रांग भी है तो उनकी एज और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक तरीके से मैच नहीं करती. बट बिकॉज हम दो अपोजिट बातें बोल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर कंजंक्शन although का यूज किया है इन दोनों को जॉइन करने के लिए. देन द सेकेंड वन इज unless. Unless का मतलब होता है जब तक नहीं. जब हम कुछ नेगेटिव सेंस में बोलना चाहते हैं तो हम unless का यूज करते हैं. लाइक unless यू कंप्लीट योर वर्क यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले. मीन्स जब तक तुम अपना वर्क कंप्लीट नहीं करोगे तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते. तो हम अनलेस का यूज जब तक नहीं इस वे में करते हैं. थर्ड वन, टिल. टिल का मीनिंग होता है जब तक. लाइक वेट फॉर मी टिल आई कम बैक. जब तक मैं वापस आऊं मेरा वेट करना. देन द फोर्थ वन इज एज वेल एज. As well as का यूज हम तब करते हैं जब हम दो चीजों को एक साथ बोलना चाहते हैं. लाइक गरिमा इज इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग. गरिमा इंटेलिजेंट भी है और उसके साथ वो हार्ड वर्किंग भी है.
तो हम गरिमा की दो क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट तो वो है ही, बट उसके साथ हम उसकी एडिशनल क्वालिटी भी बताना चाहते हैं। तो हमने यहां पर एज वेल एज का यूज किया है। देन द फिफ्थ वन इज अंटिल। अंटिल और टिल दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, बट अंटिल में थोड़ा सा नेगेटिव सेंस होता है। लाइक वी वेटेड फॉर हर अंटिल शी रिटर्न। जब तक वो वापस नहीं आई हमने उसका वेट किया। बट टिल में हमने क्या बोला था, वेट फॉर मी टिल आई कम बैक, मेरे आने तक मेरा वेट करना। इसमें हम कोई नेगेटिव सेंस इंक्लूड नहीं कर रहे, बट जब हम अंटिल का यूज करते हैं तो हम उसमें नेगेटिव सेंस इंक्लूड करते हैं। जैसे वी वेटेड फॉर हर अंटिल शी रिटर्न, जब तक वो वापस नहीं आई हमने उसका वेट किया। नाउ वी शैल लुक एट द यूजेस ऑफ सम ऑफ द कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड इन पेयर्स। अब हम ऐसे कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो पेयर्स में यूज होते हैं, मतलब एक के साथ एक यूज होते हैं। सो आई हैव रिटन सम कंजंक्शंस ओवर हियर। द फर्स्ट वन इज बोथ एंड। तो बोथ एंड का यूज एक साथ होता है। अगर आप किसी सेंटेंस में बोथ का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एंड का ही यूज करेंगे, राइट। आराध्या इज बोथ ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट। आराध्या में दोनों क्वालिटीज हैं, वो ब्यूटिफुल भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो हमने यहां पर आराध्या के अंदर दोनों क्वालिटीज को शो करने के लिए वर्ड बोथ का यूज किया है और उसकी क्वालिटीज को ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज किया है। तो बोथ और एंड एक साथ यूज होते हैं। देन द सेकंड वन इज ईदर और। ईदर और एक पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं, जिसका जैसे हम हिंदी में बोलते हैं या तो ये या फिर ये। लाइक ईदर यू और आई मस्ट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुडे, मींस या तो तुम या फिर मैं, या तो तुम्हें या फिर मुझे आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। तो जब हम कोई चॉइस देते हैं और एक पॉजिटिव सेंस में चॉइस देते हैं तो हम ईदर और का यूज करते हैं। ईदर के साथ इन पेयर हमेशा और का यूज होता है। नाउ द थर्ड वन नीदर नॉर। नीदर नॉर का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, ना तो ये ना ही ये। लाइक आई हैव नीदर written to her nor spoken with her, means ना ही मैंने उसको कुछ लिखा और ना ही मैंने उससे बात की। तो जब हम दोनों ही चीजों को deny करना चाहते हैं, मना करना चाहते हैं, तो हम neither nor का use करते हैं। Neither के साथ in pair हम हमेशा nor का use करते हैं। Now the fourth one whether or। Whether or का use हम options देने के लिए करते हैं। Like I don't know whether Ram is here or not। मुझे नहीं पता राम यहाँ है या नहीं है। तो जब हम कभी दो choices की बात करते हैं तो हम whether or का use करते हैं। Now the fifth one, not only but also। ना ही सिर्फ ये but ये भी। तो जब हम किसी sentence में not only का use करते हैं तो हम उसके साथ बट ऑल्सो का इन पेयर यूज करते हैं। लाइक सजल इज नॉट ओनली टैलेंटेड बट ऑल्सो सिंसियर, मीन्स सजल ना ही सिर्फ टैलेंटेड है बट वो सिंसियर भी है। तो जब हम दो क्वालिटीज के बारे में या किन्हीं दो चीजों को ज्वाइन करना चाहते हैं और हम ये बोलते हैं कि इसमें ना ही सिर्फ ये है बट ये भी एडिशनल चीज है, तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं। नाउ द सिक्स्थ वन As, 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 as का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज को किसी और से कंपेयर करते हैं। You are not as clever as he is। तुम उतने चालाक नहीं हो जितना कि वो है। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम as का यूज करते हैं। और as का यूज हम हमेशा एस के साथ इन पेयर रिलेशनशिप में करते हैं। सो दिस वॉज आर टूडेज टॉपिक कंजंक्शन। लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टूडे। सो टूडे वी लर्न अबाउट कंजंक्शंस, द वर्ड्स दैट वी यूज टू जॉइन टू वर्ड्स टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस।
कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए यूज करते हैं. देन वी लर्नड अबाउट सम कंजंक्शंस लाइक एंड, बट, बिकॉज, देयरफॉर, टिल, अंटिल, एटसेट्रा. देन वी लर्नड अबाउट द यूजेस ऑफ सम कंजंक्शंस एंड वी ऑल्सो लर्नड अबाउट द कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड इन पेयर्स. So I hope you have understood today's topic. You will get worksheets of this topic on ERP. So we'll meet again with another video lesson. Till then, bye bye and take care.